दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के स्टेटस में आपको भी एक प्रॉब्लम आती होगी। आधार बैंक अकाउंट सीटने स्टेटस नो आता है, और नो जब आता है जब आपको पीएम किसान सम्मान निधि का इंस्टॉलमेंट का पैसा स्टॉप हो जाता है या आपके अकाउंट में डीबीटी इनेबल नहीं होता है, डीबीटी एक्टिव नहीं होता है, उसके वजह से आपको आधार बैंक अकाउंट सीटने स्टेटस नो आ जाता है। तो आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे यदि आपका आधार बैंक अकाउंट सीटने स्टेटस नो आ रहा है उसे यस कैसे करते हैं, और यस कितने दिनों में हो जाता है, और हमारी जो इंस्टॉलमेंट का पैसा रुका है, एक इंस्टॉलमेंट का पैसा रुका है या 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा रुका हो या आपकी 10 इंस्टॉलमेंट रुक गई हो आधार कार्ड सेटिंग की वजह से, तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी और जो भी आपकी रुकी हुई किस्तें होंगी वो भी आपको मिल जाएंगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, सबसे पहले जो अपना स्टेटस होता है बेनिफिशियरी का वो आप ना चेक कर लेंगे। बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने के लिए आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है, ठीक है। पीएम किसान पोर्टल पे आने के बाद में आपको नॉर्मल स्टेटस मिल जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ फिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ से जो कैप्चा मिल जाएगा, कैप्चा आपको यहाँ से फिल कर देना है, गेटअप ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों, यहाँ से आपका जो स्टेटस होता है वो यहाँ से ओपन हो जाता है। स्टेटस ओपन होने के बाद में सबसे पहले नंबर पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आपको जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो आपको मिल जाएगी, जब आपका फॉर्म अप्रूवल हुआ था, अप्रूवल होने की वो डेट आपको मिल जाती है। जहाँ दोस्तों कुछ किसान भाई नए होते हैं जिनका आधार कार्ड सेटिंग स्टेटस नो आता है, क्योंकि दोस्तों आधार कार्ड सेटिंग स्टेटस नो इसलिए आता है जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है वो डीबीटी के वजह से पड़ता है, डीबीटी के माध्यम से पड़ता है। यदि आपके खाते में डीबीटी इनेबल होता है, डीबीटी चालू होता है, एक्टिव होता है, तब आपका आधार कार्ड सेटिंग यहां पे नो नहीं आता है, यस आता है। अब कुछ किसान भाई का यहां पे एक मसला और होता है, जिनको दो किस्तें मिल गई हैं या तीन किस्तें मिल गई हैं या 12वीं किस्त मिल गई, 13वीं किस्त नहीं मिली। कुछ किसान भाई को ऐसा भी है यहां पे 14वीं किस्त मिल गई है, 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है। कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिन्हें पहले इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलने जा रहा था फिर भी उन्हें पहली किस्त का पैसा नहीं मिला है और उनका आधार कार्ड सेटिंग स्टेटस नो आ रहा है। दोस्तों, जो हमारा आधार कार्ड सेटिंग नो पीएम किसान पोर्टल पे नो दिखाता है वो हमारे अकाउंट की वजह से दिखाता है। जैसे कि मानो हमारा जो अकाउंट है, एक अकाउंट है SBI में है या बैंक ऑफ बड़ौदा में है, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट सही एग्जाम्पल के लिए, उस बैंक में आपका जो आधार कार्ड सेटिंग है, आधार कार्ड तो लगा है, उसमें आपका डीबीटी इनेबल नहीं है। डीबीटी का मतलब होता है कि आधार कार्ड का जो पेमेंट होता है, आधार कार्ड के जरिए बेस पेमेंट होता है, आधार कार्ड के जरिए जो गवर्नमेंट पैसा डालता है उसमें आपका डीबीटी एक्टिव होगा, तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है। अब चाहे पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा हो या गैस सब्सिडी का हो या आपका स्कॉलरशिप का हो या आपका ई श्रम कार्ड का हो या आपका लेबर कार्ड का हो, वो सब पेमेंट जो होता है वो आधार कार्ड डीबीटी के माध्यम से डलता है। अब जिस बैंक में आपका आधार कार्ड डीबीटी इनेबल है उस बैंक में आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल जाता है। अब जैसे कि मान के चलो आपका जो है दो अकाउंट है, दोनों अकाउंट में आपका डीबीटी इनेबल नहीं है, ठीक है। आपका टू अकाउंट है और दोनों अकाउंट में आपका डीबीटी इनेबल नहीं है, तो इस स्थिति में आपको यहां पे आधार कार्ड सेटिंग होता है वो नो हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों, कुछ किसान भाई का यहां पे एक कंफ्यूजन रहती है कि हमने सर आधार कार्ड सेटिंग को यस करा दिया है या न्यू अकाउंट ओपन करा लिया है या आधार कार्ड को बैंक में लिंक करा दिया है, बैंक में सीडिंग करा दिया है, फिर भी हमारा नो आ रहा है, तो उसके लिए भी एक समाधान है, उसका भी आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हमारा आधार कार्ड सेटिंग स्टेटस अभी एक्टिव हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए सिंपली आपको एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, ठीक है। अब ब्राउजर ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे FWPM किसान डाल देना, ठीक है। जैसे आप इस पर एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे दो तीन कॉलम नजर आ जाएंगे, तो सिंपली आपको जो लास्ट PFMS रेफरेंस मिल रहा है तो सिंपली आप इस पर ओके कर देंगे, ठीक है। दोस्तों, जैसे ही आपने इसे ओके करा, ओके करने के बाद में आपको यहाँ पे एक URL मिल गया होगा, तो सिंपली एक URL को इसे यहाँ पे टच कर देना। यदि आप PC लैपटॉप को चला रहे हैं तो इस पे एडिट हो जाएगा, यदि आप मोबाइल चला रहे हैं तो आपको यहाँ पे पेंसिल का आइकन बन के आएगा, तो पेंसिल का आइकन को जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो एडिट करने के लिए आपको यहाँ पे स्टार स्टार जितना भी बना आ रहा है उसे आपको यहाँ से स्टार की जगह अपना जो अकाउंट होता है, जो अपना जो पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो आपको यहाँ से फिल कर देना, ठीक है। जैसा भी आप रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको फिल कर देना, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल कर देंगे, ठीक है, ध्यान रहे दोस्तों आपको स्टार स्टार हटाना है यहाँ से, अपना जो भी है देख लेना है, और कोई हटा देंगे तो आपका यह स्टेटस दिखेगा नहीं, ठीक है। ये है स्टेटस, आपका काम नहीं करेगा और स्टेटस आपका यहाँ से शो नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ से डालने के बाद में आपको सिंपली एंटर पे ओके कर देना, ठीक है। अब जैसे ही आप एंटर पे ओके करेंगे दोस्तों, जैसे ही आपने इस पे ओके करा उसके बाद में आपको लास्ट PFMS
रेफरेंस आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब ओपन होने के बाद में आपको सेंड टू पीएफएमएस डेट मिल जाए, किस पीएफएमएस की जो डेट है, किस समय जो एक्टिव हुआ था, किस समय नहीं हुआ था, पीएफएमएस रेफरेंस मिल जाएगा, इनका एक्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा मेन चीज होती है वो आपको पेमेंट मोड देख लेना है, ठीक है। यदि आपका पेमेंट मोड आपको यहाँ दिख रहा हुआ तो आपको यहाँ से उसके सामने जस्ट देख लेना है कि आपका अकाउंट है या आधार है, ठीक है। अब जैसे कि हम इन किसान भाई का देख रहे हैं, इनका पेमेंट मोड यहाँ से अकाउंट आ रहा है और इनका जो पीएम किसान सम्मान निधि का हम स्टेटस चेक किया था, वहां उनका जो आधार कार्ड सेटिंग स्टेटस नो आ रहा था, ठीक है। तो दोस्तों इनका जो पेमेंट मोड यहाँ पे अकाउंट आ रहा है, आधार कार्ड सेटिंग भी इनका नो आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों इनका जो बैंक है उसमें आधार कार्ड सेटिंग नहीं हुआ है, आधार कार्ड लिंक नहीं हुआ है और आधार कार्ड को डीबीडी से एक्टिव नहीं किया गया है, एनपीसीआई से सर्वर को लिंक नहीं किया गया है, उसके वजह से इनको यहाँ पे पेमेंट मोड यहाँ पे अकाउंट आ रहा है। और जब तक इनका पेमेंट मोड यहाँ अकाउंट आएगा तब तक इन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। अब दोस्तों कुछ किसान भाई का यहाँ एक कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है। अब वो कन्फ्यूजन क्या रहती है, सर हमने आधार कार्ड सेटिंग करा दिया बट फिर भी यहाँ पे अकाउंट आ रहा है और पीएम किसान पोर्टल पे भी यहाँ स्टेटस चेक कर रहे हैं, वहां भी हमारा आधार कार्ड सेटिंग नो आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपने आधार कार्ड सेटिंग भी करा दिया है फिर भी आपका सही नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी एक समाधान है दोस्तों उसके लिए आपको एक न्यू अकाउंट ओपन करा लेना, ठीक है। न्यू अकाउंट ओपन कराने के लिए जो सबसे जो फर्स्ट सर्विस है वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की है, ठीक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में यदि आप खाता खुलवा लेते हैं और पीएम किसान वाला खाता खुलवाना है, ठीक है, आप जब पोस्ट ऑफिस में जाएं तो आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एक न्यू अकाउंट ओपन कराना है और उनसे बोलना है सर हमें पीएम किसान वाला खाता ओपन कराना है, ठीक है। अब पीएम किसान वाले खाते में क्या होता है, जो अकाउंट आपका ओपन होता है वो डीबीडी के माध्यम से होता है, ठीक है। आपका जो डीबीडी होता है वो नए खाते पे आपका एक्टिव होता है और एक्टिव के साथ में आपको जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा है उस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है और पीएम किसान पोर्टल पे भी आपको यहाँ पे 15 से एक मंथ के अंदर अंदर आपको इस पोर्टल पे यहाँ पे शो करने लगता है, ठीक है। यदि आपने अकाउंट भी ओपन करा लिया फिर भी आपका सही नहीं होता है तो जिस बैंक में आपने अकाउंट ओपन कराया है उस बैंक में आप एक लेन देन कर लें, मतलब कि आप एक विड्रॉल कर लें, ये 100 रुपये निकाल लें या 500 रुपये निकाल लें या 200 रुपये निकाल लें, आप एक विड्रॉल कर लें, ठीक है। विड्रॉल के साथ साथ जब आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है उसके बाद में आपको यहां से देख लेना है पीएम किसान पोर्टल पे आपको 15 से 20 दिन लग जाएंगे इससे एक्टिव हो जाएंगे। जब आपका एक्टिव हो जाता है तो आपको पीएफएमएस चेक करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था पीएफएमएस चेक करना है, एप डब्ल्यू पी एम किसान जो डालने के बाद में आपको पी एफ एम एस जहाँ से चेक कर लेना है, जैसे कि हम जहाँ से इसे ओके करेंगे और जैसे कि आपने अकाउंट ओपन करा दिया, अकाउंट ओपन कराने के बाद में 10 से 15 दिन में आप इसे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में आप अपना स्टेटस चेक करेंगे, इसे यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और स्टेटस को लॉगिन करेंगे। तो जैसे कि आप स्टेटस यहाँ से लॉगिन करेंगे, लॉगिन होने के बाद में आपको यहाँ से एक मैसेज भी आपको यहाँ शो कर जाएगा कि आपका पी एफ एम एस जो डेट है वो आपको यहाँ मिल जाएगी और जो भी आपकी रेफरेंस डेट है आपको यहाँ मिल जाएगी और जो एक्सेप्ट आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिखेगा और जो पी एफ एम एस रेफरेंस डेट आपको यहाँ से जो मिल जाएगी करंट का मिल जाएगा और आपको पेमेंट मोड आपको यहाँ पे आधार मिल जाएगा, ठीक है। यदि आपको पेमेंट मोड यहाँ पे आधार नजर आ जाए तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो 100% आपके खाते में मिल जाएगा। बट दोस्तों हाँ, यहाँ कुछ किसान भाई को एक प्रॉब्लम आ सकती है, वो प्रॉब्लम यह होती है कि पीएम किसान पोर्टल पे यहाँ पे आधार कार्ड सेटिंग यहाँ पे नो रहता है, ठीक है, और जब हम पीएफएमएस चेक करते हैं तो वहां पे यस होता है, तो ऐसे ही भी कंफ्यूजन रहती है। तो ऐसे किसान भाई ज्यादा टेंशन में नहीं रहे क्योंकि दोस्तों जो आधार कार्ड सेटिंग होता है पीएम किसान पोर्टल पे कम से कम 1 से 2 मंथ लग जाते हैं, किसी किसान भाई को यहाँ पे 3 मंथ भी लग जाते हैं। यदि आपका पीएफएमएस ओके आ रहा है, अकाउंट सेटिंग वहां पे एक्टिव आ रहा है, पेमेंट मोड आपको पीएफएमएस में आधार आ रहा है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का 100% मिल जाता है। अब दोस्तों जिन किसान भाई का जो आधार कार्ड सेटिंग अभी फिलहाल नो आ रहा है वो 16वीं किस्त जब डलेगी आपको फरवरी के स्टार्टिंग में 16वीं किस्त आपको मिल सकती है, तो उस स्थिति में आपका आधार कार्ड सेटिंग भी यहाँ पे यस हो जाएगा और आपको पीएम किसान सम्मान निधि का भी पैसा यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। यदि दोस्तों आपकी और कोई प्रॉब्लम रहती है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर मैसेज छोड़ें, जैसे कि आप आधार कार्ड सेटिंग नहीं कर पा रहे हैं, ईकेवाईसी नहीं कर पा रहे हैं, लैंड सेटिंग सत्यापन नहीं कर पा रहे हैं, F2% नो काफी दिनों से है और भी आपका पेमेंट के इश्यू कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना मैसेज जरूर छोड़ें और उस मैसेज का जवाब आपको 100% दिया जाएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद।